भैया इस साल से पहले आपको BTC $70,000 क्रॉस मिल जाएगा। और बता के प्रॉफिट देगा भैया कितना? 55,000 रुपये, 55,000 रुपये पर मंथ। पर मंथ ठीक है, ये रफली 32 से 35 हज़ार रुपये महीने का कमाता है भैया। मैं इंश्योर करता हूँ कि कोई भी यूनिट हो मेरी, वो OG यूनिट रहेगी बिटमैन की। ठीक ठीक है, है। आई एम वेरी हैप्पी कि E9 प्रो एक मॉडल आता है भैया, उसका हैशबोर्ड भी इन्होंने रिपेयर कर लिया, आज इन्होंने L7 भी रिपेयर कर लिया। बिजली का बिल भैया, बिजली का बिल 200-300 रुपये ये दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर आप ठीक कहीं भी लगा दो। सिर्फ आपको यूनिट नहीं दे रहा, मैं आपके वॉलेट सिंक करवाऊंगा, आपको गाइड करूंगा कि किस तरह माइनर चलाना है, आपकी कौन सी MCB लगनी है, हम वो तक आपको एजुकेट करते हैं। अच्छा दीपक भैया, वो स्कीम अभी भी चल रही है क्या, जिसमें हम ग्राफिक कार्ड लेके आए और माइनिंग की मशीन ले जाएं, ASICS माइनर ले जाएं, चल रही बिल्कुल है अभी? भाई बिल्कुल अभी भी चल रही है। ठीक है, कोई स्कीम नहीं थी भाई, सिंपल था, एक क्लाइंट्स को एक ऑप्शन देनी थी। ठीक है, वो आज भी वैलिड है और जो भी बेस्ट प्राइस होगा भैया, आपको ये पता है कि मैं ज्यादा रिटेल में नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ मैं क्लाइंट्स के लिए करूंगा। ठीक है, मतलब अभी हम लोग अपना जो ग्राफिक कार्ड है जो फिलहाल ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि ज्यादा माइनिंग अभी चल नहीं रही है GPU की, GPU की नहीं, तो ASICS माइनर ले जा सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप कोई भी ASICS माइनर ले सकते हो, आपकी कॉस्ट इवेल्युएट करके ग्राफिक कार्ड के हिसाब से मैं आपको असेसमेंट दे दूंगा कि इतने का ही आपका बिक जाएगा और इतने में आपको मिल जाएगा। अगर कुछ डिफरेंस है तो आप पे करके आप कोई भी सिलेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया आज हम ना थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे भी हैं, कुछ अपने जो जो अपने व्यूअर्स हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं कमेंट से उठाए हुए, तो भैया सारे आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि ये ASIC माइनर होते क्या हैं, ये माइन कैसे करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है, और बिटकॉइन हैविंग के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइनिंग से, माइनिंग होती क्या है? भैया देखो, माइनिंग ना एक सिंपल प्रोसेस बनाया गया है, एल्गोरिदम के हिसाब से डिजाइंड है, डेजिग्नेटेड है। जैसे अगर मैं आपको क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल दीपक टू लकी क्रिप्टो जा रहा है, ठीक है, तो आप ये लगा के चलिए कि वहां पर कहीं भी नाम मेंशन नहीं होगा दीपक या लकी, वहां पर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड मेंशन होगा, अकाउंट नंबर की तरह वॉलेट एड्रेसेस होंगे जहां पर ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन एक पैकेट के थ्रू प्रोसेस होती है और वही प्रोसेसिंग आपकी ASICS माइनर कर रहा होता है सर। ठीक है, यही चीज अपना GPU माइनिंग भी वही आपकी GPU माइनिंग कर रही होती थी। ये GPU क्या है भैया? प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ASICS के अंदर क्या है भैया? ये भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर और माइक्रो लेवल पे जाके नैनो चिप्स लगी हुई है, और ये बेसिकली बना भी इसी के लिए है, माइनिंग के लिए बना है। इसी चीज के लिए बना है, कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ इसका काम है माइनिंग करना। ठीक है, यहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि ग्राफिक कार्ड थोड़े ज्यादा खराब होते थे माइनिंग में, जी भैया ASICS माइनर उतने खराब नहीं होते हैं। भैया देखो, मशीन है, एक मेंटेनेंस पार्ट की बात करें, ये आपकी एक यूनिट लगती है। ठीक है, ऐसे ऐसे 10 यूनिट को कंपाइल करके एक रिग बनाई जाती थी। आपको याद हो हमारे पास कितना R&D टीम, 17 बंदे मेरी R&D टीम में होते थे, सिर्फ और सिर्फ रिग ठीक कराने के लिए। रिग के अंदर कोई इशू नहीं आता था उस टाइम पे भी, उसमें होता क्या था कि एक GPU नहीं पकड़ रहा, ठीक है, 6 पकड़ लिए, 7 नहीं पकड़ रहा, इस तरह से एरर्स आते थे। ठीक है, वो एरर्स इससे फ्री है, मतलब ये GPU माइनिंग आपकी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता था, ये हो सकता है। ठीक है, और इसको चलाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता था, हर कोई मतलब उस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाता था, इसकी प्रॉब्लम्स को। जायज बात, एंड इसमें तो अपना बस चला के छोड़ देना है। डेफिनेटली भैया, इसमें सिर्फ आपको प्लग एंड प्ले ऑप्शन होता है और कुछ नहीं करना होता, इंटरनेट दो, पावर दो, गुड टू गो। ठीक है, अब बात करते हैं पैसा कमाने की, क्योंकि ज्यादातर लोग उसी के लिए देख रहे हैं। तो पैसा कैसे कमाती है ये वाली मशीन, और ये बताइए कि अभी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और फ्यूचर में बढ़ेगी घटेगी, क्या चलने वाला है? भैया देखो, देयर इज नो शू फॉर ऑल, एक कोई ऐसा जूता नहीं बना जो सबको फिट होता हो। ठीक है, एक सिंपल कहावत कह देते हैं हमारे हरियाणा में, जो काला मेरे बाप का साला, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए भैया सिलेक्शन ऑफ ASICS टोटली डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग रेंज कहाँ से? भैया स्टार्टिंग रेंज आपकी 1 लाख से स्टार्ट हो जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कास्पा का KS0 प्रो, वो भैया मेरे हिसाब से कोई भी बंदा लगा सकता है। 120 वाट टोटल कंज्यूम करता है, 600 प्लस कास्पा के कॉइंस माइन कर देता है। अगर आप उसी कन्वर्टेबिलिटी रखो तो आज के टाइम पे 5,000 रुपये माइन कर रहा है वो हर महीने के, 5,000 रुपये हर महीने। और बिजली का बिल? भैया बिजली का बिल 200-300 रुपये, ये दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर आप कहीं भी लगा दो। ठीक है, 120 वाट यार चार्जर होता है, ठीक है, और लिटरली वो DC चार्जर से ही चल रहा होता है। ठीक है, तो मतलब 120 वॉट खाली बिजली कंजम्पशन है और 5,000 रुपए लगभग प्रॉफिट है, 5,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट वो आपको आज के टाइम पे। तो ये फ्यूचर में बढ़ सकता है भैया? बिल्कुल बढ़ सकता है, इसने भैया अपने अप्रोप्रिएट 600 पॉइंट्स निकाल के आपको देने हैं। ठीक है, अगर उसका प्राइस $2 है, चलो $2 बहुत हाई हो गया, लेट्स टेक लेसर एग्जांपल, 20 रुपए हो गया,
ठीक है, 20 रुपए का सिक्का हो गया तो आपकी इनकम कितनी आ रही है, 12,000 रुपए, ठीक है, और ऐसे पीछे उसने बहुत हाई इनकम्स दी है। तब कास्पा का स्टॉक महंगा होके 1.75 का हो गया था भैया, 1.45 तक के भी मैंने सेल करे हैं। अब उसका रिवाइज करके हमने 1,00,000 प्राइस किया हुआ है 200G का, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे कॉइन्स का रेट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट भी बढ़ता है, प्रॉफिट गिरता भी है, दोनों एस्पेक्ट लेके चलो, लेकिन एक बेयर मिनिमम प्रॉफिट होता है ना वो हमेशा इंटैक्ट रहता है यूनिट्स के अंदर। और किसी भाई के पास अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो भैया वो कास्पा लगाने से भी बेटर है, वो S1990 लगाए, S1986 टेराहर्ट्ज लगाए, वॉट्स माइनर का M30S प्लस लगाए, जो बेसिक ASICS माइनर जो ऐसे डब्बे स्टार्ट हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है भैया, ये 3 किलोवाट्स की बिजली कंजम्पशन करता है रफली 2000 यूनिट्स की, 2000 यूनिट्स की, तो ये भैया कमा के देता है 18,000 से 20,000 रुपए बिजली का कंजम्पशन हटाकर ना, बिजली का कंजम्पशन मिला के यही कैच है, ठीक। जो 1,30,000 रुपए की यूनिट आपकी आती है, 1,30,000 से 1,40,000 की यूनिट आ जाती है आपकी 90 टेराहर्ट्ज में, वॉट्स माइनर की ले लो या बिटमेन की ले लो। और अगर किसी पे बिजली फ्री है भैया, अगर बिजली फ्री है तो वो आंख मीच के वॉट्स माइनर की या बिटमेन की कोई भी 90 टेराहर्ट्ज की मशीन लगा ले, उसको 18,000 से 20,000 रुपए मिल रहे होंगे, बिजली उसकी फ्री है, आप खुद हिसाब लगा लो कि 6 महीने में तो ROI निकाल रहा है, ठीक है। और ये वाला जो मॉडल है ये कौन सा है भैया? ये तो मैंने सिर्फ उसके लिए लगाया है, मेरे ख्याल में ये मल्टीपल ऑर्डर के हिसाब से हम 2,25,000 तक का भी प्राइस कर देंगे अगर किसी की ज्यादा यूनिट्स पंच होनी है तो, ठीक है। और ये मंथली कितना कमाता हो भैया? ये रफली 32,000 से 35,000 रुपए महीने का कमाता है, सेम 2,000 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि आप 7 रुपए यूनिट पे ऑपरेट कर रहे हो, 7 रुपीज पर यूनिट, तो आपका 14,000 का बिल आ गया, 32 से 34,000 की कमाई है, 18 से 20,000 रुपए कट कटा के आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। और ट्यूबवेल पे बहुतों के पास फ्री बिजली है, तो भैया उन बंदों के लिए कास्पा माइनर नहीं है, उन बंदों के लिए इस तरह के माइनर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अब किसी बंदे को भैया आवाज से इशू आ रहा है, ठीक है, तो भाई वो चाह रहा है कि भाई मैं अपने घर पे लगाऊं, ठीक है, और मैं अपने रूम में लगाऊं, ठीक है, और मेरी बिजली भी बहुत कॉस्टली है भाई, तो भैया उसके लिए क्या बना? उसके लिए जैज माइनर X16Q मॉडल बना, ठीक है। 3,65,000 का आता है भैया, 3,20,000 रुपए के अराउंड उसका प्रॉफिट रहता है, और किलो वॉटेज कंजम्पशन कितनी है? 360 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। अगर ये तब है जब बिजली 7 रुपए यूनिट है, भैया 7 ले लो, मैं 10 रुपए मान के चल रहा हूँ, 3600 का आपका बिजली का बिल आ जाएगा, और इतना साइलेंट है कि अगर आप यहाँ भी रख के बैठे हो 45 डेसिबल्स पे चलता है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा साइलेंट है, बहुत ज्यादा साइलेंट, ठीक है। तो वो मतलब घर वर में लगा सकते हैं, बिल्कुल। इससे थोड़ा ऊपर आते हैं कोई और माइनर भैया, फिर आप ले सकते हो S21 200 टेराहैशेस, ठीक है, 200 टेराहैश का माइनर है, 3500 वॉट कंज्यूम करता है, रफली आपका बिजली का बिल उतना ही आएगा। अगर आप 2000 यूनिट्स का मतलब ये हो गया गाइस कि 2000 यूनिट्स के अंदर आप मल्टीप्लाई कर लो आपके यूनिट चार्जेस जितने भी हैं। फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश साइड से बिलोंग करते हो तो 5 रुपए चल रहा है वहां पर, कोलकाता हो तो 8 रुपए, हैदराबाद हो तो 9 रुपए, हरियाणा हो तो 6 से 7 रुपए, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके बिल निकाल सकते हो, रेवेन्यू बना के देगा 55,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अगर बीच में कभी खराब हो जाता है, कोई भी इशू आ जाता है, तो उसका क्या होगा? लकी भाई देखो, जो एक मार्केट ट्रेंड है, मैं पहले आपको मार्केट ट्रेंड बता देता हूँ। मार्केट ट्रेंड क्या है कि इनके ऊपर ऑफिशियली बिटमैन एक वारंटी स्केल देता है 300 से 350 दिन का, ठीक है। वो इसकी वेबसाइट पे जाके भी आप सीरियल नंबर पुट इन करके कर सकते हो, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि जब कभी भी आपका माइनर खराब होता है तो आपको चाइना भेजने में, रिपेयर कराने में एक कॉस्ट लगेगी जो कि 20 से 25,000 रुपए होती है, और टाइम भी काफी लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ भैया हमारी वारंटीज पे। इंडिया के अंदर भैया सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑफिशियल एक बिटमैन का सर्विस सेंटर है, ठीक है, जिधर हम ऑफिशियल बिटमैन का सपोर्ट देते हैं, ऑल यूनिट इंटैक्ट, मतलब यहाँ पर बिठा के आपकी यूनिट को कोई खोता भी नहीं करेगा भैया, ठीक है भाई। जो हमारा सर्विस इंजीनियर ट्रेंड है वही काम करेगा जो एक SOPs उन्होंने दे रखे हैं। कल को जो भी बंदा हमसे भी रिपेयर करा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे हर प्रोडक्ट के साथ हम अपनी वारंटीज देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से 75% एरर्स भैया आर सॉल्वेबल बाय आर सर्विस सेंटर, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी के E9 प्रो एक मॉडल आता भैया, उसका हैशबोर्ड भी इन्होंने रिपेयर कर लिया, आज इन्होंने L7 भी रिपेयर कर लिया। ये भैया कोई छोटी फीट नहीं है, आप समझिए हैशबोर्ड रिपेयर सबसे बड़ा एरर होता है, आपको पता है जो माइनर्स में खराब होता है,
रॉबस इंजीनियरिंग अकेला सर्विस सेंटर भी है इंडिया का जिसके अंदर हम ग्राफिक कार्ड्स की भी आपको सर्विसेज देते हैं, आपको पता जी। ठीक है, मदरबोर्ड से लेके ग्राफिक कार्ड कुछ भी रिपेयर करा सकते हैं। उसी सर्विस सेंटर की हम आपको वारंटी एक्सटेंड करते हैं भैया 1+2 ईयर्स की। इसमें जो आपका 1 ईयर है उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट डैमेज होता है वो भी कवर करके देते हैं आपको। जो रेस्ट आपके 2 साल है सर वो आपको 100% सर्विस सपोर्ट फ्री है। ठीक है, एडिशनली अगर कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाता है तो जो उसके चार्जेस पेबल है सर आपको वो भी करने हैं। दैट्स ठीक है। और अगर फिर भी किसी को थोड़ा इशू है तो अपने सामने बैठ के भी रिपेयर करवा सकते हैं भैया, वो आप बिल्कुल करा सकते हो, समझ आपको कुछ नहीं आना जब हमें नहीं आता तो। ठीक है, लेकिन ये है कि भैया देखो मार्केट स्टैंडर्ड से ऊपर रहना हमारा वो है कि भाई हमारा टारगेट विजन वही रहता है कि आप मार्केट से स्टैंडर्ड अपने हम ऊपर रखते हैं। प्लस भैया मैं इंश्योर करता हूँ कि कोई भी यूनिट हो मेरी वो ओजी यूनिट रहेगी बिटमैन की। एक क्वेश्चन ये भी था लोगों का कि ओजी यूनिट क्या होता है, ये रिफर्बिश क्या होता है, इनमें क्या मतलब फर्क है और कैसे पहचाने हम? लकी भैया देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमारे ग्राफिक कार्ड्स में आपने आरएमए कांसेप्ट सुना होगा। ठीक है, रिटर्न मर्केंडाइज अथॉरिटाइजेशन, वो क्या कांसेप्ट था भैया, यूनिट चेंज होके आ जाती थी। ठीक है, और स्वैप्ड यूनिट मिल जाती थी जस्ट लाइक एप्पल के फोन जैसे स्वैप होके मिल जाते थे। लेकिन भैया अगेन टेकिंग एप्पल एज एन एग्जांपल, अगर हमारे व्यूअर्स बहुत सारे एप्पल फोन यूज करते होंगे, आपने देखा होगा अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट कंट्रीज के एप्पल के फोन खरीद सकते हो। अगर आपका यूएसए बिल्ट है तो उसके अंदर सिम ही नहीं डलता, वो ईसिम पे चलता है। ईसिम होता है। जो यूके वाला है वो अंडरग्राउंड में भी आपको सिग्नल दे देता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन होते हैं और आपको ही पता आप ऑथेंटिक एप्पल ही खरीद रहे हो। सिमिलरली भैया इस यूनिट्स के अंदर भी एक सेगमेंट बनी है रिफर्ब्स यूनिट। भैया आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो बहुत लिमिटेड स्केल है जो माइनसिकल स्केल है जिसपे आप रिलाय कर सकते हो एज अ बैरोमीटर कि आपका यूनिट रिफर्ब है या ओजी है। हम रिलाय करते हैं भैया अपनी वेंडरशिप पे। ठीक है, मेरे बड़े भैया भैया 3 बार हांगकांग जा चुके हैं, 1 बार गंजाओ जा चुके हैं। स्पेसिफिकली मैंने अपने बीजीसी माइनर चैनल पे, मैं हमारा गाइस यूट्यूब का चैनल है बीजीसी माइनर्स, आप चेकआउट कर सकते हो सारी वीडियोस, उसमें हांगकांग के व्लॉग्स डाल रखे हैं पूरे 10-10, 20-20 हजार के वेयर हाउस में बड़े भैया मेरे जाके विजिट करके आए हैं। ठीक है, और स्पेसिफिकली भैया वेंडरशिप सेट करके आए हैं, हमें भी पता लगे कि हम किस बंदे से खरीद रहे हैं और ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है बिटमैन का नहीं। तो हमने भैया अपना सोर्स कोड इस तरह से बनाया हुआ है। और डेफिनेटली आप कोई भी यूनिट खरीद रहे हो तो भैया इंजीनियर चेक करके बता सकता है कि रिफर्ब है नहीं, नेकेड आई नंगी आंखों से हम नहीं बता सकते, सारी सेम दिखेंगी भैया, इट इज चाइना मेड। ठीक है, चाइना के अंदर भैया साफ करके कुछ नहीं पता, लक्की भाई को बना दे बिल्कुल क्लोन। ठीक है, तो जैसे एप्पल के क्लोन फोन्स आते हैं भैया सेम इसके अंदर आता है। और होता क्या है रिफर्बिश में, रिफर्बिश का मतलब ये नहीं होता कि यूज यूनिट्स है, उसका मतलब ये होता है वो रिपेयर्ड यूनिट्स है। रिपेयर्ड मतलब यूज यूनिट्स हो कोई बात नहीं, ठीक है साफ करके दे दी चला रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन भैया जहां पर भी रिपेयर्ड यूनिट्स है तो किस बंदे ने किस लेवल पे क्या रिपेयर कर रखे हैं ये संदिग्ध होता है। और किसी को भी आइडेंटिफाई करना हो तो मैं सबको बहुत सिंपल सा लॉजिक देता हूं, हम इसी मॉडल की बात कर लेते हैं भैया। इस मॉडल का प्राइस मैं 2,35,000 दे रहा हूं। ठीक है, राइट सर, अगर मैं एक ट्रेडिंग बिजनेस में हूं तो मैं 10% से ऊपर मार्जिन नहीं लूंगा। ठीक है, तो ये मेरे को घर पड़ रहा होगा सर 2.10-2.15 का। ठीक है, तभी मैं इसको 2.35 का दे रहा हूं। अगर कोई भी बंदा इसको 1.80 का दे रहा है तो सर मतलब आप श्योर हो जाओ कि वो रिफर्ब है। ठीक है, इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू, हद से ज्यादा अच्छा चीज दिखने वाली चीज में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। ठीक है, और हमें बहुत सुनने में आता है, हमें क्लाइंट बोलते हैं 1.70 का, मैं कोई काउंटर क्वेश्चन ही नहीं करता उनको कि भैया मुझे दिला दो, कोई फायदा नहीं है ना उस चीज से। हमें पता है कि क्लाइंट्स को बरगलाया जाता है। ठीक है, लेकिन भैया अंत में जैसे कह देते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति में सिर्फ शरीर नहीं बचेगा आत्मा बचेगी, मैं बता दूं कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पे चलना है तो एंड में एसिक्स ही बचता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हार्डवेयर खरीद रहे हो 10,000 महंगा खरीदना भाई, लेकिन जेन्युइन खरीदना। मैं कह रहा हूँ कि लिमिटेड वेंडर्स हैं भैया, हम इस गेम के मजे में खिलाड़ी हैं, हमें पता है। ठीक है, कि कौन माल कहाँ से कितना मंगा रहा है, बहुत छोटी इंडस्ट्री हमारी, 6-7 वेंडर्स हैं। ठीक है, और साला चाइना हांगकांग के अंदर भी ना भैया बड़े 6-7 वेंडर्स ही हैं, आगे बहुत सारे बंदे उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। पता कैसे लगता है जब वेयर हाउस का एड्रेस मांगते हैं ना, जब उनका सेम आ जाता है तब पता लगता है अच्छा साली तुम यहीं से माल उठा रहे हो। सेम ऑपरेशन आपके इंडिया में है, जहां से भी ले रहे हो भैया 5-10 हजार पे हर बंदा कमाएगा। अगर मैं नेहरू प्लेस में आउटलेट खोल के बैठा हूँ, मेरे इंजीनियर्स लाख रुपए सैलरीज ले रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला कमिटमेंट ये है कि मैं आपको ओजी यूनिट दूंगा बिटमैन की। अभी ओजी यूनिट क्या होता है? ओरिजिनल। ओजी स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल बिटमैन। ये भैया पता नहीं अब किसने क्वाइन टर्म करी, अभी हो गई मार्केट में ट्रेंड। ठीक है,
अब हमने एज सच तो नहीं करी, बट हाँ हम भी कैचअप करते हैं और क्या है। ओजी बिटमैन भी 100% ओरिजिनल बिटमैन के सर्विस रिकॉर्ड्स के हिसाब से 5 यूनिट होगी जो मेरे से परचेज कर लिया, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो फिर आपका खुद का सर्विस सेंटर है इधर और आके खुद ही मतलब रिपेयर करवा सकते हैं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस भी सिर्फ इंडिया के अंदर इस लेवल की सर्विस सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी मेरे ख्याल में और कोई सर्विस सेंटर है नहीं, किसी के पास ना कोई सर्विस सेंटर है ना सपोर्ट सेंटर है। सर्विस और सपोर्ट दो पार्ट्स होते हैं भैया, छोटी सी बात है, किसी बंदे का यूनिट में कोई इशू नहीं आया लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि इसको बेचू कहां से, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट। तो हम कहते हैं हम लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। प्लस भैया किसी को ऐसी जैसे मशीन शिप कर दो बाद में उसका फोन ना उठाओ, वो तो कोई अकल नहीं है ना सर। क्लाइंट जब तक नहीं कमाएगा इसके अंदर से पैसा, वो अगली बार आपके पास रिपीट होके नहीं आएगा। तो हमारा मेन काम भी है, हम एक पैकेज सेल करते हैं। अगर आप 2.35 में मेरे से, मैं सिर्फ आपको यूनिट नहीं दे रहा, मैं आपके वॉलेट सिंक करवाऊंगा, आपको गाइड करूंगा कि किस तरह माइनर चलाना है, आपकी कौन सी MCB लगनी है, हम वो तक आपको एजुकेट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मतलब किसी को आप सेल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में उसको सारी नॉलेज दे दी जाती है 100%। और भैया जैसे अगर कोई नहीं आ पा रहा है, नेहरू प्लेस नहीं आ सकता, आके नहीं ले पा रहा है, तो मान लीजिए कहीं और से वो ऑर्डर करता है तो कुरियर तो चलो हो ही जाएगा, लेकिन उस बंदे को नॉलेज कहाँ से मिलेगी? भैया देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू रिमोट्स, ठीक है। जो एक जो ट्रेडिशनल पाथवे पे हम चल रहे हैं, मेरे पास भैया इफ नॉट अगर मैं 100 पीस बेचता हूँ तो 80 पीसेज मेरे पास रिमोटली ऑर्डर आए हुए, ठीक है। लोग ऑनलाइन पेमेंट डाल देते हैं, डेफिनेटली एक बार वीडियो कॉल पे मेरी शक्ल देखते हैं कि भैया आप वही हो, ठीक है, और हमें पेमेंट्स आ जाती है। जब हम प्रोडक्ट रिसीव कराते हैं उससे पहले, जब हम कुरियर करा रहे होते हैं उससे पहले, हम उनके सारे पहले ही ऑनलाइन वॉलेट्स बनवा देते हैं, वीडियो कॉल पे लेके उनको समझा देते हैं और उनकी मशीन रेडी टू गो टाइप की बना के दे देते हैं, प्लग एंड प्ले करना है। बट उसके पीछे का अगर कभी भी हम अपने हर इनवॉइस के साथ 3 टीम मेंबर्स का नंबर देते हैं भैया, ठीक है, डेफिनेटली भैया मैं बिजी रहता हूँ तो 90% होता है कि मैं सर्विस सपोर्ट के अंदर हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन आपके पास मेरे इंजीनियर का नंबर, आप ऑफिस टाइमिंग में उसको कभी कॉल करो, वो कनेक्ट करेगा, तुरंत रिवर्ट करेगा कि भैया आपकी लॉग फाइल से डाउनलोड हो रही, आपका अगर सर्वर डाउन आ रहा है, अर्निंग्स कम आ रही है, ठीक है, हैश रेट फुल नहीं आ रही, बड़े बेसिक क्वेश्चंस होते हैं भैया, और बंदा तो दिमाग इसी में लगाता रहेगा ना। उसको हमने अगर एक प्रोफेशनली सपोर्ट दे दिया कि भैया यू हैव टू वेट 72 आवर्स तब आपका प्रॉपरली लॉग फाइल डाउनलोड होएगा और प्रॉपर हैश रेट तब आएगी, यू विल बी सैटिस्फाइड। एक क्वेश्चन और था भैया, ये जो कास्पा कॉइन है इसका आगे क्या फ्यूचर है? ये देखो कास्पा इज वेरी रिलायबल कॉइन, ठीक है, मैं बहुत इंटेंसिव, आप मेरा बैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, ठीक है, मैं काफी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ। मैं पहले कास्पा पे इतना रिलाई नहीं करता था, मेरे भी भैया कुछ फॉरेन में फ्रेंड्स हैं, रशिया में आपको मैंने बताया था गत्रा और चेंबिस्की में हमारा फार्म चल रहा है, तो भैया मेरे भी फ्रेंड्स मुझे एजुकेट करते हैं, ठीक है, वही एजुकेशन मैं आगे दे रहा हूँ, अवेयरनेस मैं आगे दे रहा हूँ। कास्पा इज टू बिग टू फेल सर, ठीक है, टू बिग टू फेल राइट नाउ। बिटमैन इन इटसेल्फ, इसकी 50+ बिलियन डॉलर की कंपनी है बिटमैन, और वो $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है केमन आइलैंड में, 2 फैक्ट्रीज लगा रही है फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्पा। तो अब मैं पूछना चाहूंगा भैया कि कास्पा अगर फेल हो गया तो उनकी तो फैक्ट्री फेल हो गई सर। अगर हम स्टॉक की बात करें, आप मुझे आज खड़े पैर भी ऑर्डर दोगे, आज मेरे पास 5 कास्पा का ऑर्डर कंफर्म हुआ है, 5 कास्पा माइनर देने 80 के मुझे, सर मैं आपको लिखित में दे रहा हूं कि मुझे वो डिलीवर करने में 1 महीना लग जाएगा। कास्पा इतना डिमांड में है, उसका इतना डिमांड में, स्टॉक कम है, स्टॉक इतना कम है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, और भैया प्रॉफिट्स देखो ना इनसेन दे रहा है, 1.5-2 लाख रुपए देगा तो भैया हर बंदे की 6 महीने में ROI निकल आती है, 6 मंथ से भी पहले ROI आ जाती है। और आपने स्टार्टिंग में बोला था बिटकॉइन की हाविंग के बारे में कुछ, तो उसको भी डिटेल में बताएंगे भैया? देखो मैं बिटकॉइन हाविंग के बारे में इसलिए बात नहीं करता क्योंकि इसको खुद एक्सप्लेन करने के लिए ना 2 घंटे चाहिए, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जितना संदिग्ध में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ हिंदी में उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है बिटकॉइन हाल्फिंग है, दैट इज अ प्रोसेस जो हर 4 साल में होना है, ठीक है, और वो 21-40 तक होता रहेगा मेरा भाई, ठीक है। 24 अप्रैल 2024 को हाल्फिंग है आपकी, वो भी है किस लिए है, सप्लाई चेन को आधा कर देगा, ठीक है, जहां माइनर ब्लॉक रिवॉर्ड 6.25 BTC ले रहा था वहां पर हाफ लेगा 3.12 जितना भी हाफ होगा। बट आपको यू हैव टू डिस्टिंग्विश वन थिंग, दैट इज कि भाई आप ब्लॉक रिवॉर्ड अलग होता है और माइनिंग का रिवॉर्ड अलग होता है। ब्लॉक रिवॉर्ड आधा हुआ है, माइनिंग का रिवॉर्ड आधा होगा नहीं होगा, नहीं होगा। उसके अंदर 2 फैक्टर्स आप कल्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको और इजी वे से समझाता हूं आपको, एक कुआं है भैया जिसमें 100 लीटर पानी है,
ठीक है, और 10 बंदे उस कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता लगा कि 24 अप्रैल 2024 को उस कुएं के अंदर पानी आधा हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब भैया अगर वही 10 बंदे अभी भी पानी निकाल रहे हैं तो होगा क्या, बिल्कुल उनका रिवॉर्ड आधा हो जाएगा, जितना पानी उनको पहले मिल रहा था उससे आधा पानी मिलेगा एग्जैक्टली। बट बिटकॉइन के एल्गोरिथम डज नॉट वर्क लाइक दिस सर। होगा क्या कि जहां 10 बंदे माइन कर रहे हैं या फिर जहां 10 बंदे कुएं में से पानी निकाल रहे थे, 5 बंदे रह जाएंगे, 7 बंदे रह जाएंगे, प्रॉफिट उतना ही है। प्रॉफिट आपका कम होगा, इनिशियली कम होगा, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी कहां बेनिफिट मिलेगा, डिफिकल्टी एडजस्टमेंट पे, ठीक है। जैसे जो हमारा गुंतरा वाला फार्म है भैया, उधर 47 टेराहैश से नीचे जितने माइनर है वो ऑब्सोलीट कर दिए गए, ठीक है, कि भाई अब इनकी मुयाद पूरी हो गई, इनकी लिमिट पूरी हो गई, तो बेच दो, ओके। 7500 माइनर्स एक सिंगल फार्म का डाटा बता रहा हूं कि वो हटा रहे हैं पुराना। होगा क्या कि ग्रिड के ऊपर डिफिकल्टी लेवल इसकी वजह से फॉल कर जाएगी, और माइनर जो पहले 10 बंदे माइन कर रहे थे वहां पर 6 रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे, तो डिफिकल्टी कम हो जाएगी और उनको ज्यादा बिटकॉइन रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भैया, ये होता क्यों है हल्फिंग, सबसे पहले ये इसलिए होता है ताकि सप्लाई चेन आधी हो जाए। प्राइस को अगर बढ़ाना है सर, या तो डिमांड को बढ़ा दो या सप्लाई को गिरा दो, दोनों में से एक काम कर दो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड तो जो जेनरिक बढ़ रही है वो बढ़ रही है, ठीक है, उसको छोड़ देते, तो सप्लाई गिरा रहे हैं, सप्लाई गिरा देते हैं ये, और ये एक प्री डिस्टिंक्ट एक वो बना रखी है इन्होंने, हर 4 साल में, उसको ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता, ठीक है। तो भैया ये है, और मेरा जो दिमाग कहता है या जितना मेरा एक्सपीरियंस है सर, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये मैक्स टू मैक्स 10-20% का फॉल फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 1-2 मंथ आएगा, ठीक है, वो सबको बियर करना, ठीक है। और यही बात कर लेते हैं थोड़ी बुलरन के बारे में, तो बुलरन कब तक आएगा भैया? इस साल से पहले आपको BTC $70,000 क्रॉस मिल जाएगा, इस साल के खत्म होने से पहले, ठीक है। हम 2024 में बैठे हैं सर, ठीक है। हाल्फिंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो हर 4 साल में आ रहा है, कोई छोटी चीज तो है नहीं भैया, और प्लस इस समय में आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डेरिवेटिव होगा कि यू नो ब्लोइंग द ट्रम्पेट बिफोर द वॉर कमेंस, तो सिमिलरली भैया ये एक ट्रम्पेट ब्लो हो रहा है हाल्फिंग का आपका, और उस टाइम पे आपके स्टॉक्स भी बढ़ जाएंगे, आपका क्रिप्टो भी बढ़ जाएगा। एक सवाल और है भैया, जैसे काफ़ी लोगों के पास में नहीं होता बजट के 1 लाख रुपए की मशीन खरीद पाएं सीधा, तो क्या वो लोग लोन पे ले सकते हैं या EMI के ऑप्शंस हैं अभी इसमें अवेलेबल? भैया देखो, सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि लोन से आपकी पैरिटी कम हो जाती है स्टॉक को होल्ड करने की, ठीक है। मैं हर भाई को यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी माइनर लगाना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल भैया हम भी EMI पे करवाते थे, बजाज फाइनेंस हो गया, जिस्ट मनी हो गया, बजाज फाइनेंस ने डिसकंटिन्यू कर दिया, जिस्ट मनी अभी भी फाइनेंस कर रहा है, बट मैं अपने क्लाइंट को खुद मना कर देता हूँ कि भैया मत लो जिस्ट मनी से, 5% प्रोसेसिंग फीस, ठीक है, उसके बाद 6 मंथ्स की EMI, दैट्स इट, उससे कुछ नहीं मिल रहा आपको, और उससे ना आपको एक प्रेशर आ जाता है। लेकिन अगर आप कहीं से भी पर्सनल लोन या बिजनेस लोन फर्निश करा सकते हो less than 2%, 2% से कम भैया, 2% बहुत ज्यादा होता है, 24% हो जाता है, 2% का मतलब ये हो गया 24% एनुअल, ठीक है। और 2% में बता रहा हूँ आपको, बनियों की भाषा में 2 रुपए सैकड़े का ब्याज, अगर उससे कम में मिलता है तो भैया हर लॉजिक ये कहता है कि आप लोन ले सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आप इसकी इंस्टॉलमेंट भर रहे हो तो इट शुड बी 6 मंथली, ठीक है। वो हर किसी का भैया अलग वो होगा, लेकिन डेफिनेटली आप फाइनेंस पे भी ले सकते हो, बहुत सारे बंदे लेते हैं, बहुत सारे बंदे, कोई अपनी PL फाइनेंस करा रहा है, कोई BL फाइनेंस करा रहा है, कोई कोई तो कोटेशन लोन करा रहा है, ठीक है। बिहार वालों ने स्कीम निकाली है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बिहार के अंदर एक स्कीम निकाली है, स्टेट ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है स्टार्टअप लोन दे रहे हैं 10 लाख का, 10 लाख का स्टार्टअप लोन दे रहे हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है S6 मशीन, गोल्ड शेल, KD बॉक्स और S9, इस तरह से मशीन 104 टेराहैश की स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली बिहार से हमारे पास क्लाइंट आते हैं, आज भी एक क्लाइंट आया हुआ है, इसलिए याद आ गया मुझे बताना, ठीक है। और वो 3 पार्ट्स में इनको लोन को डिवाइस करके वापस करते हैं, तो भी आप बिल्कुल ले सकते हो लोन पे। अब यार कोई 5 रुपए सैकड़ा अभी IPL सट्टे वाली चीज की तरह उठा के पैसा लाएगा तो भैया फिर तो नहीं प्रॉफिटेबल हो सकते, है ना, उसको वाइड। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, कुछ माइनर्स के बारे में ही बात करी है, प्राइसिंग के बारे में, एंड अभी भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग भैया को कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। तो थैंक यू भैया वीडियो बनवाने के लिए। धन्यवाद।